हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद जेएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बच्चों, हम पार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने कौन कौन सा गवर्नर पढ़ा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा कौन कौन सा गवर्नर पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने गवर्नर पढ़ा था, ठीक है, पोर्टर गवर्नर, वार्ड गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर। अब बात करते हैं बेटा हार्टनेल गवर्नर की। किसकी बात करूँगा, हार्टनेल गवर्नर की बात करता हूँ, जिसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर। स्प्रिंग लोडेड टाइप गवर्नर बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये गवर्नर का देखो ये स्ट्रक्चर है आपका स्प्रिंग लोडेड टाइप में। ये बेटा नट होता है, ये फ्रेम होता है, ये स्प्रिंग होती है और ये बेटा स्लीव होती है। जो ये क्या करता है बेटा, ये इस तरह से क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन इस पे फोर्स पे लगता है बॉल पर। इस बॉल पे ये बॉल होती है और इसके बाद देखो स्पिंडल है। जब रोटेट करेंगी, ये रोटेट करेंगी तो क्या होगा बेटा, ये इस बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन लगेगा तो क्या होंगी, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे स्प्रिंग बेटा क्या होगा, कंपनसेट या ऊपर होगा बेटा या नीचे होगा, यानी अप एंड डाउन होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। एक कंप्रेशन होगा, एक पोजीशन आएगा, इसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, दूसरा पोजीशन आएगा। तो ये बेटा क्या है, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है, जिसे बोलते हैं मतलब हार्टनेल गवर्नर। देखो अगर मान लो स्पीड बेटा बहुत ही कम है तो इस टाइप का गवर्नर होगा। अगर स्पीड ज़्यादा हूँ तो आपको ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, ग्रीन लाइन ये आपका है फिगर। तो देखो ये मान लो फर्स्ट में आपका सपोज ये इनिशियल पोजीशन है, जो ये स्पिंडल एक्सिस से बॉल के सेंटर का रेडियस बेटा कितना है आर वन। अगर वो क्या कर रहा है, हाई स्पीड पे वर्क करता है तो देखो ये यहाँ पे चला जाएगा, इसका मतलब कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग का, ये हो जाएगा बेटा आर टू है। तो देखो स्लिप का मूवमेंट कितना हुआ, तो यही हो गया बेटा, कितना हो गया, यहाँ से देखो कितना डिस्टेंस गया ऊपर, ठीक है, ये कितना ऊपर चला गया, तो बोलूँगा बेटा कितना हो गया, बी थीटा गया ऊपर, कितना गया, बी थीटा गया, ठीक है। और बेटा ये कितना लेंथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे बी थीटा इक्वल टू, बेटा क्या बोलेंगे, बी थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा बेटा आर वन माइनस सॉरी आर टू माइनस आर वन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, स्लिप का मोमेंट जो होगा ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटू थीटा, यानी जितना इधर गया होगा बेटा उतना ही उधर गया होगा। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपका, थीटा। अब देखो ठीक है, तो कहने का ये हुआ कि इतना आपका क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब ये कितना था आपका a इंटू, कितना हो जाएगा a इंटू थीटा, क्या हो जाएगा आपका a इंटू थीटा। तो ये भी तो होगा ना, ये इसका देखो, इसका ये आर्म का लेंथ है, ये a इंटू थीटा, ये इतना डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, कितना रोटेट करेगा, अरे यहाँ से देखो आप यहाँ तक a है इंटू थीटा, ठीक है, ये कितना आर्क इंटू रेडियस बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आर्क अपन रेडियस इक्वल टू थीटा, तो आर्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो इस केस में हम देखेंगे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, कितना निकालेंगे, आर्क बाई रेडियस, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इसको अभी छोड़ो, देखो यहाँ से निकालते हैं पहले, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा, आर्क कितना हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन अपन ए, ठीक है, ये हो गई आपकी ये थीटा, थीटा आ गई। अब हम बोलते हैं ये स्लिप मूवमेंट कितना गया, तब कहेंगे बेटा बी थीटा गई, तो थीटा की वैल्यू आपने निकाल रखा है, थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाल रखा है, तो यह हो जाएगा बेटा बी, ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन अपन ए, ठीक है। तो ये आपकी स्लिप मूवमेंट हो गई, क्या आ गई आपकी, स्लिप मूवमेंट हो गया, कितना स्लिप मूवमेंट किया, यहाँ से हमें पता चलेगा स्लिप मूवमेंट। तो ये आपको मैं बोलूँ ये क्या हो जाएगी आपकी, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है। तो स्लिप मूवमेंट तो स्लिप कितना मूवमेंट किया, इतना मूवमेंट किया, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कैसे करना। पहले ये निकालना है आपको थीटा, आर का पान रेडियस ए दे रखा है ये थीटा, तो ये हो जाएगी थीटा के वैल्यू, उसके बाद ये कितना स्लिप मूवमेंट किया ये वर्टिकल साइज में, तो बेटा कहोगे बी थीटा, तो बी इंटू आर टू माइनस आर वन बाई ए, उस थीटा का वैल्यू मैंने रख दिया, तो ये आ गई स्लिप मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इस पर, क्या बात करते हैं हम लोग,
इस पे बात करते हैं, जब ये रोटेशन यानी सेंट्रिफ्यूगल एक्शन हो रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो फोर्सेस बेटा इसमें लगता है आपका, ठीक है, इसका फोर्सेस इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ। जो फोर्सेस इक्वेशन बेटा मैं लिखूंगा तो देखो, इसका इक्वेशन है आपका एफ वन पहले वाले का, पहले वाले बॉल का एफ वन, ठीक है, ए बराबर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कुछ एम जी आपका स्लिप का क्या है, स्लिप जो है उसका वेट है, स्लिप का वेट है प्लस माइनस एफ, प्लस माइनस एफ, ठीक है, एफ मत लिखो, इसको फ्रिक्शनल क्या है स्प्रिंग फोर्स लिखो, एफ एस वन, ठीक है, तो एफ एस वन ये हो जाएगा इंटू बी, इंटू बी, ठीक है, बाई टू, क्योंकि आधे आधे मास ले रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात हो जाएगी बेटा इक्वेशन एफ टू बी, एफ टू बी, इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस माइनस एफ एस टू, ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा टू डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा बेटा बी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। इसको मैं सॉल्व करूं, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखो ये आ जाएगा बेटा एफ टू माइनस एफ वन, एफ टू माइनस एफ वन टू टाइम्स ए बाई बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ एस टू माइनस एफ, ये स्प्रिंग फोर्स है, क्या है स्प्रिंग फोर्स है। तो इस फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन बन जाएगी जिसे ये बेटा क्या आपका एफ एस क्या बेटा स्प्रिंग फोर्स है, क्या बेटा स्प्रिंग फोर्स है ये, ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये इक्वेशन है आपके। आगे देखो, आगे देखो, अब पूछा जाता है बेटा, अब पूछा जाता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या पूछा जाएगा आपसे, ये यहां से देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मान लो इसे डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा एस से डिनोट कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट है एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एस से डिनोट कर रहे हैं, तो एस इक्वल टू बेटा क्या होता है आपका, ये होता है टू टाइम्स एफ टू माइनस एफ वन, एफ टू माइनस एफ वन, ठीक है, अपन ये होता है आपका, ये होता है आपका आर टू माइनस आर वन इंटू ए बाई, ए बाई ये आर्म का लेंथ है ए और बी का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ पूछेगा बेटा इससे जो क्वेश्चन बने हैं, आपको दो फोर्सेस दे देंगे, दो फोर्सेस दे देंगे एम वन एफ वन एंड एफ टू, दो फोर्सेस मिलेंगे और रेडियस दे रखा होगा आर की वैल्यू या ए बराबर बी दे देगा होगा, ठीक है। अगर ए बराबर बी हो बेटा, इफ अगर मैं बोलूँ आर्म का ए और बी दोनों बराबर होंगे तो वह वन हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा टू टाइम्स ये क्या हो जाएगा एफ टू माइनस एफ वन, ठीक है, अपन आर टू माइनस आर वन, तो ये हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा बेटा आपका फॉर्मूला किसके, जब ए बराबर बी हो, जब लिंक बेटा दोनों क्या हो ए और बी क्या हो सेम हो, तो वो हो जाएंगे आपके ए और बी बराबर हो गए तो बेटा इस बार में फॉर्मूला हो जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट पर, ठीक है। अगर आपको स्प्रिंग फोर्स पता हो, क्या पता हो स्प्रिंग फोर्स पता हो, तो इनिशियल क्या कंप्रेशन निकाल सकते हैं, तो इनिशियल और फाइनल कंप्रेशन निकालना हो गया आपको, इनिशियल कंप्रेशन, और बात करूंगा फाइनल कंप्रेशन की, तो देखो इनिशियल कंप्रेशन को मान लो x1 से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स ऑफ वन अपान, ये हो जाएगा s1, ठीक है। अगर स्प्रिंग फोर्स फाइनल कंप्रेशन x2 की बता रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ एस टू डिवाइड बाई एस टू। तो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा वैसा हम क्या करेंगे बेटा सॉल्व कर देंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी। देखो अब आप चलते हैं जो क्वेश्चन पूछता बेटा, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता आपसे, अब आते हैं एफर्ट, एफर्ट ऑफ गवर्नर, क्या पूछता है एफर्ट ऑफ गवर्नर,
देखो अब आते हैं बेटा एफर्ट ऑफ गवर्नर। तो देखो यहां पर एफर्ट ऑफ गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो इस पे ठीक है, तो उस गवर्नर पे मीन फोर्स कितना लग रहा है, मीन फोर्स कितना लग रहा है स्लीप के मोमेंट के लिए, स्लीप के मोमेंट के लिए वही हो जाएगा बेटा एफर्ट ऑफ गवर्नर, यानी कि द मीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्लीप टू चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर फ्रिक्शनल चेंजेस इन गवर्नर इज नोन एज एफर्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इस पे हो जाएगा टू मीन फोर्सेस, ठीक है, टू मीन फोर्सेस क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिंग ऑन द स्लीव, बेटा ये एक्टिंग ऑन द स्लीव टू चेंज इट्स इक्विलियम, टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन गवर्नर इज नोन इज एफर्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो देखो तो कह रहा है आपका मीन फोर्सेस उस पे कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है, किस पे, गवर्नर पर, क्या बोल रहा है, एक्टिंग ऑन ए स्लीव टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन गवर्नर इज नोन एज, ठीक है, अगर आपका स्लीव इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो कितना एफर्ट लग रहा है उसको फ्रैक्शनल गवर्नर पे, वही आप क्या हो गया बेटा, एफर्ट हो गया, क्या हो गया, एफर्ट हो गया। ठीक है, तो मीन फोर्सेस बेटा क्या ले लेंगे, मान लो इनिशियल पोजीशन पे, मान लो इनिशियल पोजीशन पे आपका इनिशियल पोजीशन पे फोर्स जीरो है और कुछ आपका मैक्सिमम पोजीशन पर फोर्स ई लग रहा है उसका मीन ले लेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये एफर्ट हो जाएगा ई बाई टू, क्या हो जाएगा आपका ई बाई टू, ये हो जाएगा आपका एफर्ट ऑफ गवर्नर, इसे बोलेंगे बेटा एफर्ट हो जाएगा ये एफर्ट ऑफ ये गवर्नर। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी एफर्ट ऑफ गवर्नर। अगर मैं बोलूं एफर्ट ऑफ गवर्नर यानी कि E बाई टू, ई बाई टू भी बेटा क्या है आपका एफर्ट है, तो ये दोनों के लिए किसके किसके लिए बेटा, किसके किसके लिए, एक पोर्टर और प्रोवेल के लिए, तो हम देखते हैं इसमें पोर्टर और प्रोवेल के लिए कितना कितना हो जाएगा। और यहां पे बेटा देखते हैं हार्टनेल के लिए, ठीक है, तो देखो एफर्ट में लिख देता हूँ सारे डायरेक्ट फार्मूला, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे आप सी अपान वन प्लस के टू एम जी अपान एम कैपिटल एम जी, ये कैपिटल एम है, ठीक है जी, वन प्लस के अगर हार्टनेल के लिए बोलूँ बेटा क्या हो जाएगा, ई बाई टू, ई बाई टू ये किसके बराबर हो जाएगा आपका सी, ये बेटा हो जाएगा एम जी प्लस एफ बाई एफ एस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पहले फार्मूला हो जाएगा एफर्ट हटने लॉ किसके लिए बेटा, और प्रोबेल के लिए, हटने लॉ प्रोबेल के लिए हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से बेटा सी क्या है, सी क्या है बेटा, सी है आपका ये सी है जो सी बेटा है ना, यहाँ से यहाँ है आपका एन, ये बेटा मैक्सिमम स्पीड माइनस एन मिनिमम स्पीड, क्या हो जाएगा मिनिमम स्पीड, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम अपन एन मिनिमम स्पीड,
ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू है एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम आरपीएम, मैक्सिमम आरपीएम माइनस मिनिमम आरपीएम अपॉन मिनिमम आरपीएम से डिवाइड कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब के, के क्या बेटा, के आपको पता ही है, के क्या आपका टेन बीटा अपॉन टेन थीटा, तो ये आपका के है, सब कुछ वही है आपका, आप एफर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बेटा। ठीक है, आगे कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे आएंगे। देखो एग्जाम में एफर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है, क्या याद रखेंगे, ठीक है, मीन फोर्सेस, क्या है मीन फोर्सेस एक्टिंग, तो ये एफर्ट के लिए आपको इतना याद रखना है, जहां पे आपको मीन फोर्सेस देखेगा इसका मतलब वो एफर्ट की बात कर रही है गवर्नर का, तो ये ध्यान रखें आपको। तो जेई वगैरह में बेटा पूछे जाते हैं क्या, आपके सीधे फार्मूला पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, आपका थ्योरेटिकल पार्ट से जो पूछे हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही है। ठीक है, अब आते हैं बेटा पावर। अगर आपसे पावर ऑफ गवर्नर पूछे तो क्या बताएंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका पावर बेटा, हो जाएगा आपका एफर्ट जो है आपका, एफर्ट है इनटू स्लिप मूवमेंट ले लेंगे बेटा, स्लिप का मूवमेंट ले लेंगे तो स्लिप मूवमेंट ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पावर। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पावर। देखो वर्क डन ऑन स्लीप टू चेंज, इसे लिखना तो लिख लो, वर्क डन ऑन द स्लीव टू चेंज इट्स इक्विलियम पोजिशन, इक्विलियम पोजिशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन ऑन द स्लीव टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, ठीक है, ऑफ गवर्नर, तो ये हो जाएगा आपका पावर। देखो तो पावर में बात करता हूं, तो पोर्टर गवर्नर की पावर में लिख देता हूं, तो पावर बेटा क्या हो जाएगा इसमें, देखो आपको ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, जी इंटू एच, जी इंटू एच, ये हो जाएगा फोर सी स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस टू सी। सी आपका वही है, क्या सी है आपका, सी आपका बेटा एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइड बाय एन मिनिमम, तो ये वही वैल्यू है, कैपिटल एम आपका स्लिप का मास है, ठीक है, और एम आपका क्या बेटा बॉल का मास है, जी आपका पता ही है, एच आपका हाइट ऑफ स्लीव है, तो बिल्कुल आपका वैसे ही है। तो आगे चलते हैं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको उतनी पढ़ने हैं। आगे देखो एक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर बेटा, ये आपका है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर। तो अब देखो यहां पर तो अगर स्टेबल गवर्नर कब होगा, स्टेबल गवर्नर कब होगा, तो देखो इफ द रिस्टोरिंग इफ द
इसको सही कर लो आप, इफ द रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग फोर्सेस आर बिकम highly dominate, highly dominate as compared to disturbing force. ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, इफ रिस्टोरिंग फोर्सेस आर बिकम हाईली डोमिनेट एज कंपेयर टू क्या डिस्टर्बिंग फोर्स, तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा अगर रिस्टोरिंग फोर्सेस, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इस पर मैंने क्या किया मूव करा के छोड़ दिया, तो बेटा वो रिस्टोर होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो ये कहने का मतलब ये क्या बेटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो देखो आपको चीज मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, अगर मैं रेडियस इंक्रीज करता हूँ, देखो जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे आएंगे आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप देखो अगर मैं रेडियस बेटा इंक्रीज करूँ, ठीक है, अगर रेडियस इंक्रीज करता हूँ और आरपीएम भी इंक्रीज करता हूँ, आरपीएम इंक्रीज करता हूँ तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, आरपीएम बढ़ा रहा हूँ तो रेडियस भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आरपीएम घटा रहा हूँ बेटा तो रेडियस भी घटा रहा हूँ, स्पीड भी घटा रहा हूँ, इसका मतलब ये स्टेबल क्या बेटा, स्टेबल या स्टेबल है, यह क्या आपका स्टेबल गवर्नर हो गया, स्टेबल गवर्नर हो गया या स्टेबिलिटी है इसमें. क्यों, क्योंकि जैसे मान लो आप कुछ भी रोटेट करोगे, मान लो आपने ऐसे ही आप रोटेट किया, तो यहाँ पे हाउस मान लो आपका लिंक है, तो रोटेट ऐसे करोगे बेटा तो ये रेडियस बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है, तो ऐसे मान लो रोटेट करोगे हमको तो ये रेडियस बाहर की तरफ जाएंगी, तो ये जो रेडियस है ये आर है, ये आर है आपका, ये बढ़ा, स्पीड बढ़ा तो आर बढ़ा, स्पीड घटा तो आर घटा, स्पीड बढ़ा तो आर बढ़ा और स्पीड घटा तो आर घटा, तो ये हो जाएगा बेटा स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और दूसरी बात करूं बेटा, इसमें अगर अगर आर इंक्रीज कर रहा है और एन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और आर डिक्रीज करेगा कब, आरपीएम को बढ़ा दूं मैं, आरपीएम को बढ़ा दूं मैं, तो बेटा ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल, क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर अगर देखो आर को इंक्रीज करूं, ठीक है, या आर को डिक्रीज करूं, दोनों केस में आरपीएम की वैल्यू क्या बेटा कांस्टेंट है, क्या आपका कांस्टेंट है, तो इस केस में ये बेटा ये हो जाएगा आपका आइसो, आइसो क्या हो जाएगा बेटा आइसो क्रोनस गवर्नर, आइसो क्रोनस गवर्नर ये हो जाएगा या इक्विलिब्रियम हो जाएगा, आइसो क्रोनस इक्विलिब्रियम. तो ये तीन केसेस हैं जो एग्जाम में बहुत ही पूछे आते हैं. कौन 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 बेटा, ये देखो तीन है, अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा स्पीड डिक्रीज करेगा, तो ये बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया. इसके बाद ये आरपीएम देखो डिक्रीज कर रहा है तो रेडियस इंक्रीज, यानी अपोजिट रिलेशनशिप है, इसमें अपोजिट चीजें हो रही हैं, तो वो अनस्टेबल हो गया. अगर कुछ भी बढ़ा दूं रेडियस को, कुछ भी बढ़ा दूं मैं, तो यहाँ पे देखो आरपीएम की वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा कॉन्स्टेंट रही है. तो वहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, जितने भी AE JEE जितने भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ से बन जाते हैं यहाँ से, तो याद रखना इस चीज़ों को लेकर. आगे आपसे पूछता है, क्या पूछता है आपसे, आगे आपसे पूछता है सेंसिटिविटी ऑफ
सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, गवर्नर की सेंसिटिविटी क्या है? देखो जैसे मान लो गवर्नर ही है, ठीक है, ये गवर्नर है, ये मान लो गवर्नर है, जैसे मान लिया कि गवर्नर इस तरह से है, ठीक है, ये स्लीव है जो मूव कर रहा है। तो अब देखो मैं इस पर कितना फ्रैक्शनल ऑफ इसका स्पीड चेंज कर दूं, इसकी स्पीड को कितना फ्रैक्शनल ऑफ स्पीड चेंज कर दे रहा हूं कि इसमें क्या हो बेटा, इसमें क्या हो, स्लीव का बेटा मूवमेंट हो जाए, स्लीव का मूवमेंट हो जाए, मतलब वो स्पीड इतना लगा दूं, यानी कि क्या हो जाए इसमें फ्रैक्शनल क्या हो जाए बेटा, यहाँ पर स्पीड चेंज है। तो एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। तो मतलब कितना स्पीड इसमें थोड़ा सा दे दूं मैं कि उसमें बेटा वो एक्सटेंट कर जाए, ठीक है, वो मूव कर जाए, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल स्लीव का मूवमेंट हो जाए, उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। तो देखो इसको फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछे गए हैं, तो यहाँ से थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इसको लिखना भी जरूरी है। देखो द एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट, ये वर्ड याद रखना एक्सटेंट, फॉर चेंज द स्पीड ऑफ गवर्नर, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ क्या स्लीव मूवमेंट फॉर चेंज, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, चेंज द स्पीड ऑफ गवर्नर इज नोन एज, इज नोन एज, इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये जी है, तो ये हो जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ, अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूंगा, सेंसिटिविटी क्या किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो सेंसिटिविटी होती है आपकी, ठीक है, सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, तो सेंसिटिविटी देखो ये प्रोपोर्शनल होती है 1/(n1-n2), ठीक है, 1/(n1-n2), ये हो गई सेंसिटिविटी। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें अगर मैं सेंसिटिविटी के फॉर्म में लिखूंगा तो इसको और तरीके से लिख सकता हूँ, सेंसिटिविटी (n1-n2) डिवाइड बाई एन मीन, ठीक है, एन मीन, तो ये हो गई आपकी एन मीन, ये हो गई आपकी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अगर मान लो ये ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में ये भी हो, ऑप्शन में बेटा ये भी हो कि सेंसिटिविटी बेटा जो भी है ये इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दिया होता है, अगर ढंग का कोई आपका बनाने वाला पेपर होगा तो ये देगा आपका (n/(n1-n2), ठीक है, तो ये आपका सेंसिटिव है, ठीक है, तो आपको ये करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अगर मान लो दोनों ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, कौन सा करेक्ट करोगे, तो फर्स्ट बेटा यही करेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट यही करेक्ट करेंगे, तो ये बेटा जो है ना, ये जो होता है आपका, ये पहले सेंसिटिव हो गई, और ये जो आपका है दूसरा वाला, ये जो हो गया, ये सेंसिटिव ऑफ स्लीव बताता है, ठीक है, ये सेंसिटिव ऑफ स्लीव है, ये इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या ऑफ स्लीव, तो स्लीव की सेंसिटिविटी है ये, गवर्नर की सेंसिटिविटी नहीं है, तो स्लीव की सेंसिटिविटी है, तो स्लीव की सेंसिटिविटी बेटा इस टाइम में लिखते हैं, और गवर्नर का पूछा जाए तो इस टाइम में लिख,
ये गवर्नर का है, समझा? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या टिक करेंगे, यही वाला टिक करेंगे जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो ये रही आपकी सेंसिटिविटी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हंटिंग। अब बेटा क्या है बेटा, हंटिंग, तो हंटिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हंटिंग से भी देखो क्या पूछा जाता है। हंटिंग में आपको टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होता है, उसे बोलते हैं हंटिंग। तो एन एक्सेसिव फास्ट, एन एन एक्सेसिव फास्ट, कैसा मोशन बेटा, टू एंड फ्रो मोशन, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्लीव, ऑफ द स्लीव बिटवीन बिटवीन, ठीक है, द स्टॉपर, बिटवीन द स्टॉपर, बिटवीन द स्टॉपर इज नोन एज हंटिंग, उसे क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। तो एक्सेसिव फास्ट कौन सा मोशन हो बेटा, इसमें याद रखना आपको, एक्सेसिव बेटा इसमें क्या लिखा है, एक्सेसिव फास्ट टू एंड फ्रो है, बहुत ही तेज है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये हो गई आपकी क्या, हंटिंग हो गई, ये हो गई आपकी हंटिंग हो गई। ठीक है, तो बहुत ही क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा, हंटिंग हो गया। तो कहने का मतलब है सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, सेंसिटिविटी ये बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की, ठीक है। अब मैं बोलूं आइसोक्रोनस गवर्नर, ठीक है, कौन सा आइसोक्रोनस का, आइसोक्रोनस का बेटा ये भी पूछा गया है, आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी कितनी होती है। तो सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनर, आइसो गवर्नर गवर्नर सेंसिटिविटी कितनी होती है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है बेटा, आप बोलोगे बेटा कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्यों, क्योंकि आरपीएम कांस्टेंट होता है। तो सेंसिटिविटी आपने क्या पढ़ा था, सेंसिटिविटी आपने पढ़ा था कि ये देखो यहाँ पे सेंसिटिविटी है गवर्नर की, तो आप एक कांस्टेंट हो गया, तो एन वन बराबर एन टू, इसका मतलब जीरो हो गया, किसी अपान जीरो करोगे तो बेटा क्या इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, आइसोक्रोनस गवर्नर, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है, आइसोक्रोनस गवर्नर से की सेंसिटिविटी कितनी होती है, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो देखो हर बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाता है, और स्टेट वाले जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। जब सेंसिटिविटी बिटाई आइसोक्रोनस की सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से स्टेबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो मैं सब लिखवा देता हूँ, ठीक है, आइसोक्रोनस की किसकी बात करेंगे बेटा, आइसोक्रोनस की, आइसोक्रोनस की यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर से, तो आइसोक्रोनस गवर्नर का बात कर रहे हैं। तो देखो पहला है आपका सेंसिविटी, सेंसिविटी बेटा क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है, सेंसिविटी क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट होगा। स्टेबिलिटी की बात करूँगा, स्टेबिलिटी की बात करूँगा, स्टेबिलिटी में बेटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। हंटिंग की बात करूँगा बेटा, हंटिंग की बात करूंगा, तो हंटिंग की बात करूंगा, वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे किसके लिए, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जीरो हो रही हैं, क्या इनफाइनाइट है। आपको सेंसिटिविटी इनफाइनाइट मिलेगा, स्टेबिलिटी जीरो मिलेगा, और हंटिंग भी बेटा जीरो मिलेगा। तो ये हो गई आपकी ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं, कुछ कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं, क्या कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम में देखो, ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे वार्ड गवर्नर हो गए, किसकी बात करूंगा, एक वार्ड गवर्नर है, तो वार्ड गवर्नर का बेटा क्या होता है, फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है,
एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है एम आर कैसा है? यानी जो फोर्स बेटा है किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका आर के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो होता है बेटा आर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम कंट्रोलिंग फोर्स बेटा हम देखेंगे, तो अब हम बात करता हूँ बेटा इन पोर्टर, किसकी बात करूंगा, पोर्टर गवर्नर, पोर्टर और किसकी बात करूंगा, और बात करूंगा वाट गवर्नर, और किसकी बात करूंगा, प्रोवेल गवर्नर, ठीक है। तो ये आपके होंगे, तो इसमें बात करूंगा कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम में बात करूंगा, तो इसमें जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम होगा आपका, ये बेटा कैसा होगा आपका, कर्व में होगा। किसमें होगा, कर्व में होगा। और यही देखो कंट्रोलिंग फोर्स किसमें डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एफ आर में। दूसरी बात कर रहा हूं बेटा किसमें, दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग इन, किसमें इन हार्टनेल बोलूंगा, किसकी बोलूंगा, हार्टनेल या स्प्रिंग लोडेड, बेटा किसका, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। लोडेड गवर्नर में देखो वो कैसा होता है आपका, जो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होगा, आपका कंट्रोलिंग फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा आपका, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा किस में स्ट्रेट लाइन होता है और किस में कर्व लाइन होता है, ये बताएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो चलो देखो अब हम ड्रा करते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फोर्स एफ और आर में होता है, तो बेटा कंट्रोलिंग फोर्स जो होगा आपका इधर फोर्स होगा और इधर क्या होगा आपका, रेडियस होगा। तो यानी स्लोप का बोलूंगा, तो स्लोप बेटा टेन थीटा बोलूंगा, टेन थीटा बड़ा आपका आएगा कंट्रोलिंग फोर्स और किसके बीच में, रेडियस के बीच में आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बनेगा। तो ये आपका स्लोप याद रखना है और कंट्रोलिंग फोर्स। अब मान लो बेटा स्पीड जो होगा यहाँ से, देखो ये आप बात याद हो गई, तो मैं इसे हटाता हूँ, आपको जो थियोरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लो ये स्पीड लाइन है, किसकी है, ये स्पीड लाइन है और एक और ड्रा है, ये देखो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम ये ड्रा है, ठीक है। ये क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स है, और अब क्या कर रहे हैं, स्पीड डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, तो हमें एक स्पीड डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। तो मान लो स्पीड डायग्राम हम लोगों ने ड्रा किया, ये स्पीड डायग्राम है, ठीक है। तो स्पीड डायग्राम ड्रा कर दिया, तो स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स मस्ट बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइन, ठीक है। अब आते करते हैं स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, किसकी बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी कब होगी, वो क्या बताएगा आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तब बताएगा जब अगर मैं बोलूं इसमें स्लोप डालूंगा, किसमें, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम पे स्लोप बनाऊंगा, तो क्या वो ज्यादा होगा स्पीड लाइन से या कम होगा, यही देखना है आपको। तो हम कह सकते हैं बेटा कि इफ किस पे बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑन, चलो स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स
मस्ट बी ग्रेटर देन greater than that of speed line. क्या आपका speed line से बेटा हमेशा greater होगा, तभी वो क्या होगा stable है, otherwise बेटा क्या हो जाएगा unstable है. If slope of controlling force, ठीक है, must be greater than that of speed line, तो बेटा वो हो जाएगा आपका स्टेबल हो जाएगा. बेटा क्या हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, कहने का यह मतलब ये हुआ. देखो अगर मैं यहीं पर समझो कि ये क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स है, ठीक है, इस पर स्लोप बनाता हूँ, तो क्या स्लोप की ये स्लोप की इस पर डायरेक्शन है, क्या इसके डायरेक्शन से ज़्यादा है, कहोगे यस, तो क्या ये स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है. देखो दूसरी बात करते हैं, चेक करते हैं. चलो ये आपका क्या हो गया, एफ कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस के बीच में ग्राफ ड्रा हो गए. दो लाइनें बेटा, ये स्पीड की लाइन है, किसकी लाइन है, स्पीड की लाइन है, और एक कर्व दे रखा है, ठीक है, एक कर्व दे रखा है इस टाइप का, एक कर्व दे रखा है इस टाइप का. तो अब हम देखते हैं कि स्लोप इस पे किसका है, ज्यादा करेंगे. तो देखो यहां पर, देखो इस पॉइंट पर इस पे स्लोप डालता हूं बेटा. देखो तो स्लोप आप कंट्रोलिंग फोर्स पे जो स्लोप डाल रहे हैं बेटा, ये वाला क्या ये ज्यादा है पहले वाले से, है? अरे ये वाला स्लोप देख रहे हैं आप, तो क्या ये स्लोप ज्यादा है? अरे यहां से देखोगे थीटा आपको ये मिलेगा, और पहले वाले का थीटा ये था, तो थीटा डैश जो होगा बेटा, थीटा डैश हमेशा किससे होगा, थीटा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यस इस पे ज्यादा है. दूसरे वाले भी ड्रा करते हैं बेटा इस पे स्लोप, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है उस पर ड्रा करेंगे, तो यहां भी बेटा क्या होगा, थीटा डबल डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस थीटा टू के और थीटा वन, ये थीटा वन हो गया बेटा, ये थीटा टू हो गया, तो थीटा टू से वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है. तो यहाँ से भी देखो ये भी हो गया, तो यानी दोनों केस में बेटा वो क्या हो रहा है, ज़्यादा स्लोप हो रहा है, किसकी, कंट्रोलिंग फोर्स का. इसका मतलब अब हम कहेंगे स्लोप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम ग्रेटर देन किससे है आपका, स्पीड स्लोप ऑफ स्पीड डायग्राम. तो बेटा ये कौन सा हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये जो हो गया बेटा ये हो गया स्टेबिलिटी हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर है, स्टेबल हो गया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया या स्टेबिलिटी हो गई इसकी, समझ में आया चीजें. जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स, और ये आर. अब देखो अब कर्व इस टाइप में है आपका, कौन सा कर्व है, ये कंट्रोलिंग फोर्स है. अब आपकी दो स्पीड है, अब दो स्पीड आपकी ये है और दूसरी स्पीड बेटा ये है. देखो स्पीड लाइन है जिसे बेटा एन वन बोलेंगे और एन टू बोलेंगे और एफ सी कर्व बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है. अब देखो इस पर स्लोप डालो, तो देखो यहाँ पे स्लोप डालता हूँ बेटा, यहाँ पे स्लोप डालता हूँ, तो हमें क्या मिलता है कि स्पीड लाइन का स्लोप ज़्यादा है, यानी कि मैं बोलूँगा स्लोप, यानी कि स्लोप को मैं बेटा सीधा स्लोप लिख देता हूँ, क्या किसकी, आरपीएम की स्लोप बेटा ज़्यादा हो गई, किससे ज़्यादा हो गई आपकी, ठीक है. और कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम से, ठीक है, का स्लोप इससे ज़्यादा हो गया, इसका बेटा ये क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल हो गया,
क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। सिमिलरली इसका भी देखेंगे, इसमें भी सॉरी इसका भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अनस्टेबल है, दोनों में ऐसा आ रहा है, दोनों क्या हो गया बेटा, ये अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ऐसे पहचानेंगे बेटा स्टेबल और अनस्टेबल। अब बात करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, कौन सी स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में बेटा इसका जो होगा स्टेट होगा लाइन, तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। तो देखो यहां पे मैं बोलूं कि यहां पे देखो, अब यहां पे मैं डायग्राम ड्रा करता हूं, तो आपको कर्व कैसा मिलेगा आपका, कंट्रोलिंग फोर्स ये होगा डायग्राम होगा। यहां पे देखो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम जो होगा बेटा वो कैसा होगा, यहां पर स्ट्रेट होगा, कैसा होगा स्ट्रेट होगा। तो आपके पास तीन केस मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे वो देखते हैं। देखो आपके पास एक ये रहा आपका कर्व, ठीक है, दूसरा कर्व आपके पास ये मिलेगा। देखो ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे आते हैं, कितने हमेशा एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आपके पास देखो ये बेटा, ये आप देख रहे हो ये स्पीड की लाइन है, किसकी है, स्पीड की लाइन है, सब स्पीड की लाइन है, सब स्पीड की लाइन है। अब आप कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। अब देखो इस तरह से है, ठीक है, दूसरा बेटा कंट्रोलिंग फोर्स ये आपका इस तरह से है, और तीसरा बेटा इसी पे मैच कर जा रहा है, किस पे, इसी पे मैच कर रहा है। तो आपके दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, दो इक्वेशन बनेंगे। अब देखो कंट्रोलिंग फोर्स जो ये वाली लाइन है, ये बेटा क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर कंट्रोलिंग फोर्स के डायग्राम, बेटा ये हो जाएगा आपका ए आर माइनस बी, ठीक है। तो कहीं आपका यहां मिलेगा, यहां पे देखो एफ सी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, ए आर प्लस बी। इसके बाद ये बोलेगा आपका एफ सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा ए आर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी स्टेबल, क्या हो जाएगी आपकी स्टेबल, ये बेटा कैसी हो जाएगी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, और आपसे बोलेगा बेटा ये क्या हो जाएगा आइसोक्रोनस, क्या हो जाएगा आपका आइसोक्रोनस। ठीक है बेटा, देखो ये आपके कर्व होंगे, आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा एक कर्व बना के देगा, कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बनाएगा और आपसे दे देगा चलो ये कर्व बताओ कैसा है, ठीक है। दूसरा कर्व पूछेगा चलो ये कर्व बताओ कैसा है, और तीसरा पूछ देगा बेटा ये कर्व बताओ कैसा है जहाँ से सी सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटा देखो नीचे इंटरसेक्ट करेगी जाके, कहीं नीचे इंटरसेक्ट करेगी तो ये बेटा स्टेबल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी स्टेबल हो जाएगी। ये ऊपर जा रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर बीच से जा रहा है सिर्फ यहाँ से सेंटर से इसके, तो ये हो जाएगा आइसोक्रोनस, आइसोक्रोनस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आए हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फोर्स किसके लिए, हार्टनेल के लिए, किसके लिए, हार्टनेल के लिए। तो यहीं तक रखते हैं बेटा, यहीं तक गवर्नर है आपका, ठीक है, गवर्नर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करा दिया हूँ। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।